हेलो एंड वेलकम टू माय फ्रेश न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक नए फ्रेश व्लॉग में। एंड आज भी है शाम का टाइम एंड बहुत समय बाद मैं व्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था फ़ोन में। काफ़ी मेरा स्टोरेज फुल हो गया था तो इस चक्कर में मैं कोई व्लॉग पोस्ट नहीं कर पा रहा था। सो मैंने काफ़ी अपने स्टोरेज वगैरह खाली किया, उसके बाद मैं फिर से एबल हूँ व्लॉग डालने के लिए। सो अभी शाम का टाइम है, आज हो रही है काफ़ी ज़्यादा बारिश और अभी बनाने जा रहा हूँ मैं चाय। तो चाय मैं मम्मी पियेंगे तो साथ में कुछ उसके बाद खाना भी है, स्नैक्स वगैरह। सो चलिए किचन में स्टार्ट करता हूँ चाय बनाना। ये डाल रहा हूँ मैं चाय पत्ती एंड थोड़ी सी और डाल देता हूँ। सो ये चाय वगैरह तो मैंने चढ़ा दी है, जल्दी से इसको निकालता हूँ और फिर पीते सो हैं चाय। गाइस, चाय जो है मैं पी रहा हूँ एंड चाय वगैरह पीने के बाद शाम का टाइम है, सोचता हूँ बाहर निकल के थोड़ा आता हूँ, बाहर आप लोग को व्यू भी दिखाता हूँ। बारिश तो हुई है काफ़ी एंड चाय पीते हैं, फिर देखते हैं, प्लान करते हैं। अगर बाहर जाता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पर सो रहूँगा। गाइस, हो चुका हूँ मैं रेडी एंड चाय वगैरह पी लिया था। अभी जा रहा हूँ थोड़ा बाहर, एज कल है शायद जन्माष्टमी, सो बाहर जाता हूँ, देखता हूँ कैसा क्या माहौल है और आप लोग को भी पूरा दिखाता हूँ। तो शाम का टाइम था, रेडी होता हूँ, शूज़ वगैरह पहनता हूँ, निकलता हूँ फिर अपनी बाइक से। सो दोस्तों, मैं निकल चुका हूँ बाहर एंड आपको दिखाते हैं बाहर का वेदर। सो वेदर जो है काफ़ी है ठंडा क्योंकि आज हो रखी है बारिश एंड कंटिन्यू 2 बार बारिश हुई है एंड रोड है पूरा गीला। और अभी तक तो ऐसा कुछ भीड़ लग नहीं रहा है वैसे जन्माष्टमी वाला जो एरिया है, बट सिटी साइड में ज़रूर होगा। अभी मैं अपने घर के पास वाले एरिया में हूँ इसलिए उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है। और अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद निकला हूँ, ठंडा ठंडा थोड़ा सा एहसास हो रहा है, काफ़ी अच्छा वेदर है। तो ये रही मेरी एक और कॉलोनी जहाँ मैं पहले रहता था, अभी मैंने शिफ्ट किया रेंटेड वाले एरिया में, तो वो घर अपना ही है। एंड बस ये मिल गया आपको पंजाबी डेयरी जो कि मेरे घर के पास वाला एरिया ही है। तो ये है रिलायंस इन पंजाबी, यहाँ पे भी लौट के मेरे को आना है क्योंकि मम्मी ने कुछ बोला है सामान लेके आने के लिए। सो अब रखता हूँ अपने जेब में फ़ोन क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए गाइस। तो और ट्रैफिक का ध्यान देते हुए आगे थोड़ा बढ़ता हूँ और कहाँ जाता हूँ आपको सब कुछ शेयर करूँगा। अभी मैं निकला हुआ था बाहर और हो गई थी काफ़ी तेज़ बारिश, तो मैं एक शेड के अंदर खड़ा हो गया था एंड अभी मैंने अपने लिए लिया एक कोल्ड ड्रिंक, छोटा सा ये स्प्रिंग, इसको पी रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैंने इसको ले लिया अपने लिए, पीता हूँ और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ और पूरा शहर का और भी व्यू दिखाता हूँ। सो बने रहिए मेरे। ट्रैवल ब्लैक टेस्ट ड्राइव और इसी की एक सबसे बेस्ट मॉडल है। अच्छा, रेट्रो ये एक है रॉयल एनफील्ड 100 350 न्यू मॉडल। ओके ओके ओके, ये मेट्रो है वो रेट्रो है, रेट्रो में ना स्पोक देता है। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है बाइक। और मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, अंधेरे में उतना पता नहीं चल रहा है बट बहुत ही अच्छी लग रही है गाड़ी। हेडलाइट इसके नॉर्मल दिए ना, येलो। मैं आ गया हूँ फिलहाल रिलायंस रिलायंस स्टोर और यहाँ से मेरे को लेना है मम्मी के लिए ऑयल। हेलो, तो अभी आ गया हूँ मैं रिलायंस के अंदर एंड लेना है मुझे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल मम्मी ने मंगाया हुआ है। सो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, पतंजलि का है, फॉर्च्यून का है, अब कौन सा अच्छा रहता है वो तो पता नहीं, तो जो मिल रहा है फिलहाल तो उसी को ले लिया जाए। सरसों तेल कौन सा वाला अच्छा, यही है बस एक ही है अपने पास ब्रांड, पतंजलि दे दीजिए फिर। उसके अलावा और कोई सा नहीं है क्या? तो पतंजलि वाला ही ऑयल फिलहाल ले लिया है मैंने ऑयल एंड अभी यहाँ से देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो। क्या चीज़? ये भाई जो है ऑफर देता है हमेशा। 30 का 20 रुपये। हाँ, 30 का 20 रुपये, 30 का 20। ये 30 कितने का आता है ये वैसे? यहाँ पे 26 रुपये। हाँ 26, 26 26 का, तो 30 क्यों बोल रहे हो? 26 का 20, 6 रुपये कम हुआ ना। ये देखो भाई, हम ही को पहना रहा है वही, तो इसलिए तो मैंने पूछा। नहीं यार, वो ऑफर वाला नहीं लेंगे, बाद में ही ले लेंगे। ये भाई भी हंस रहा है, ये देख रहे हो उसको, 30 का 20 रुपए में। चलो कोई बात नहीं, नहीं मजाक करता हूँ इससे मैं, मैं रेगुलर हूँ है कि नहीं। चलो ठीक है, फिर ये ले लिया हूँ और यहाँ से और कुछ सामान देखते हैं उसके बाद निकलते हैं। तो रिलायंस में था एंड रिलायंस के अंदर से निकल गया हूँ बाहर, बाइक पे अपने बैठा हुआ हूँ और जो मेरा ये सामान था ये मैंने अपना हैंडल में लगा दिया। ये लिया मैंने एक ऑयल, सो ऑयल लेने के बाद मैं जाऊंगा लूंगा अपने लिए पनीर, पनीर लेने का सीधे चलेंगे घर पे। मिल गए थे पहचान वाले भैया से, उनसे मिलने लग गया था, क्या कर सकता हूँ फिर, उस समय ब्लॉगिंग थोड़ी नहीं हो पाई।
हैं, मतलब पुराने जिम फ्रेंड थे, सडनली मिले 3-4 साल बाद फिलिंग सेक्शन में, तो उनसे थोड़ा बातचीत करने लग गया था। यहाँ से चलता हूँ पनीर वगैरह लेते हैं। सो ये आ चुका हूँ मैं पनीर वाली शॉप में, भाई बैठा हुआ है, भाई ये हमारा भाई, एंड भाई 30 का पनीर दे देना है। छोटू हंस रहा है, क्यों हंस रहे हो भाई? हेलो बोल, बोल दो बोल दो। अरे क्यों नहीं बोलता यार, मजाक कर रहा हूँ। मैं ले लिया हूँ, अब यहाँ से निकलता हूँ। चले भाई मिलते हैं फिर कल। सो गाइज, मैं कल के ब्लॉग को आज ब्लॉग मतलब रिज्यूम कर रहा हूँ। कल एक्चुअली रात को आ गया था मैं, उसके बाद अपना डिनर वगैरह लिया, सो गया था। अभी सो के उठ चुका हूँ, जिम वगैरह गया था सुबह, जिम से भी आ गया हूँ, नहा वहा के अभी खा रहा हूँ अपना मैं मील। एंड बस कल एक भाई दिख गया था मेरे को 350 हंटर वाला, तो उसको रोक के मैंने बाइक वगैरह देखा, क्योंकि बाइक में भी मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, एंड रॉयल एनफील्ड की बाइक तो ऑब्वियसली पसंद है। सो काफ़ी अच्छा बाइक को बनाया है, मैं इस बार उसको जाके शोरूम जाके उसका डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा और ख़ुद भी चेक करूंगा कैसी है बाइक, क्या है। सो बस यही था आज का पूरा ब्लॉग, बाइक देखा अच्छा लगा, सडनली एक अनजान व्यक्ति को जो रोक लिया था मैंने, बट फिर भी ठीक है क्योंकि बाइक वगैरह का इंटरेस्ट है, तो इसलिए देखने रुक गया था। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आपको कल मिलते हैं एक फ्रेश न्यू ब्लॉग में। सो तब तक ले बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।